The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Nucleus of Knowledge Academy and make your grad JKSSB exams dreams come true. Download the app now. हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सब लोगों का। आज हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4th है फ्री लेक्चर सीरीज ऑफ विलेज लेवल वर्कर। तो अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और आइडेंटिटीज जो थे वो चैप्टर को कवर कर रहे थे, और आज इस लेक्चर में जितने भी एनसीईआरटीज में क्वेश्चंस होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेटेड वो हम सारे सॉल्व करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो मोस्टली जो है ट्रिग्नोमेट्रिक से ही आएंगे। तो इसलिए सोचा कि आज जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी में से, तो वो सारे के सारे आज हम सॉल्व करेंगे। तो इसलिए ये लेक्चर देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, राइट। और पहले तीन लेक्चर जो पीछे कवर करे हैं वो ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि उसमें सारा का सारा बेसिक जो है वो क्लियर किया हुआ है, फार्मूला जो इसमें इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी, डिफरेंट आइडेंटिटीज थी, वो हमने सारी कवर की थी। तो जल्दी से आज हम इसके ये सारे क्वेश्चन जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। और जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शेयर ज़रूर करें, जो आपके दोस्त हैं फ्रेंड्स हैं उनको ज़रूर करें, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोचिंग फ़ी। बहुत ही ज़्यादा कोचिंग फ़ी ली जा रही है आजकल, तो इसलिए हमने फ्री लेक्चर सीरीज जो है वो स्टार्ट करी है। तो चलो जल्दी से बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, एक ट्राइंगल दिया है ABC, उसमें आपके पास AB जो है वो 24 सेंटीमीटर है और BC जो है 7 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन ए, कॉस ए, साइन सी एंड कॉस सी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे तो डायग्राम नहीं दिया है, तो एग्जाम में आपको डायग्राम जरूर दी होगी। एक ट्राइंगल दिया है ABC और उसने बोला है कि राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है, कि राइट एंगल होता है 90 डिग्री, वो बी पे बन रहा है। तो और वैल्यू जो हमारी सी जो है वो वहाँ पे होगा। तो AB हमें 24 दिया है और BC हमें दिया है 7। तो उसने बोला साइन ए निकालना है, कॉस सी निकालना है, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो मैंने आपको जैसे समझाया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड होनी चाहिए। तो AC हमारे पास नहीं है, तो हम AC कैसे निकालेंगे? बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? वो कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वेयर होता है हमारे पास, ठीक है, इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वेयर होता है प्लस जो आपके पास हाइट होती है या परपेंडिकुलर होता है उसका स्क्वेयर होता है ना। तो हमारे पास बेस है 7, ठीक है, प्लस 24, ठीक है। तो इनका जब आप सॉल्व करोगे वैल्यू करोगे, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 625, और ये हाइपोटेनस का स्क्वेयर था, तो स्क्वेयर जब उस साइड चला जाएगा तो हमारे पास रूट बन जाएगा 625। तो 625 का जो रूट होता है वो हमारे पास क्या होता है? 25। तो फिर जो हमारे पास AC है वो 25 आ गई। तो अब हमारे पास जो है तीनों साइड जो है वो हमने निकाल दिया। अब हमने साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है और साइन सी निकालना है। तो देखो जरा, अब सबसे पहले हमने निकालना है साइन ए, ठीक है, ध्यान से देखना बहुत ही जरूरी है। ये आपके पास ए है और ये बी है और ये सी है। तो आपने निकालना है साइन ए, सबसे पहले साइन ए निकालना है। तो ए एंगल कहाँ पे बन रहा है? मैंने आपको समझाया था, अब जो एंगल हमने निकालना होता है, जिस एंगल के ऊपर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना होता है, तो उसके जो सामने वाली साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं? परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं। ये तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज ही रहेगा और ये हमारे पास बेस बन जाएगा, ये ध्यान में रखना है। तो इस टाइम पे BC हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो अब साइन ए निकालना है। अब आपको साइन ए का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो साइन ए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, पी पंडी बद्री प्रसाद और नीचे हमारे पास होता है हिंदुस्तान हरा भरा। तो सबसे पहले साइन आता है, फिर कॉस आता है, फिर हमारे पास टैन आता है, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या आ रही है हमारे पास? BC, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या आ रही है? BC। तो BC हमारे पास कितना था? 7, ठीक। और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है? AC। तो AC हमने अभी निकाला है तो 25। तो इस तरह से आपने साइन ए निकाल लेना है, वैसे ही आपने कॉस ए निकाल लेना है, सिंपल। तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास ये है 24 और हाइपोटेन्यूज है 25, तो हमारे पास 24/25 आ गया। तो ये हमारे पास साइन ए और कॉस ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं साइन सी और कॉस सी। अब ध्यान से देखना, ये ही तो मेन चीज है इसमें, क्योंकि बच्चा देखता है कि ये ट्राइंगल सीधा है
ये आ गया हमारे पास। देखो अब ध्यान से ध्यान देखना ये चीज, ध्यान से देखना। अब नेक्स्ट जो हमने निकालना है ये हमारे पास था सी, सॉरी ये था हमारे पास सी, ये है हमारे पास बी 7। अब उसने बोला है नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है साइन सी, साइन सी निकालना है। एंगल कहाँ पे बन रहा है? साइन सी बोला है, ये सी है। तो अब हमारे पास परपेंडिकुलर जो है वो क्या है, चेंज हो गया। अब इस एंगल के अपोजिट जो साइड हमें दिख रही है वो है ए बी। अब इस केस में हमारे पास जो ए बी है वो हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया और बी सी हमारे पास बेस बन गया है। बस ये छोटी सी चीज है और यही चीज जो है आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत कर सकती है। ठीक है, तो अब साइन सी जो है, तो साइन सी, तो साइन का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास यहाँ पे 24 परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज 25 है, हाइपोटेन्यूज सेम रहती है, सिर्फ आपकी बेस और परपेंडिकुलर जो है वो चेंज होती रहती है ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंगल। कि कहाँ पे रेशियो जो बोली गई है, किस एंगल के ऊपर रेशियो निकालने के लिए बोला गया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से आपके पास साइन सी की वैल्यू आ जाएगी 24/25। अब कॉस सी आपने खुद निकालना है गाइस, कॉस सी आप खुद निकालोगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.1 जो आपकी एनसीईआरटी बुक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए जरा इसमें क्या क्या बोला बोला है, है? फाइंड, क्या बोला है, फाइंड टेन पी माइनस कॉट आर, टेन पी माइनस कॉट आर बोला है। तो इसमें हमें डायग्राम दी हुई है, ये दी हुई है। अब देखो इस डायग्राम में भी हमें परपेंडिकुलर दिया है, अभी इस अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल परपेंडिकुलर हमें सामने दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर पी क्यू है और पी आर जो है वो हमारे पास 13 है। तो नाउ वी हैव टू फाइंड दिस बेस क्यू आर निकालना है। तो जल्दी से आप क्यू आर निकालो जल्दी से बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ आपको, तो मैं डायरेक्ट इसका जो है क्यू आर ले रहा हूँ बाय पाइथागोरस ट्रिपलेट जो होते हैं हमारे पास। तो इसका जो क्यू आर की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 5 सेंटीमीटर हमारे पास जो है क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमने क्या निकालना है, टैन पी। देखो टैन पी माइनस कॉट आर बोला है, तो इसके लिए पहले हमें टैन पी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, टैन पी। तो अब देखना टैन पी कहाँ पे बन रहा है, ये पी एंगल है। ठीक है, अब टैन पी है तो पी यहाँ पे है, तो इसके अपोजिट जो साइड होगी इसको हम परपेंडिकुलर कंसिडर कर लेंगे। क्या कंसिडर कर लेंगे, परपेंडिकुलर। और पी क्यू जो है इसमें हमारे पास बेस बन गया। अब बात आती है टैन पी, अब टैन पी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आपने बिल्कुल साइड पे लिख लेना है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि मोस्टली जो है बच्चों को फॉर्मूला जो है वो याद नहीं रहते हैं, इसलिए ये साइड पे आपने लिख लेना है। तो मैंने पहले बताया ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टैन होता है। तो हमारे पास जो टैन पी का फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इस केस में हमारे पास है क्यू आर, तो क्यू आर कितना आ रहा है, 5। ठीक है, और बेस कितना आ गया, बेस कितना आ गया, 12। अब उसने बोला है कॉट आर निकालना है गाइस, क्या निकालना है, कॉट आर, कॉट आर बोला है। अब देखो कॉट आर, अब ये एंगल है आर, यहां पे बोला है। अब इसके अपोजिट वाली जो साइड होगी वो क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर, क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर। और जो कॉट होता है वो टैन का इनवर्स होता है। ठीक है, इनवर्स होता है टैन का, उल्टा होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है। तो इसका जो बेस होगा वो ऊपर आ जाएगा और परपेंडिकुलर जो है वो नीचे आ जाएगा, तो ये कॉट आर है। तो अब देखो कॉट आर, कॉट आर में हमारे पास बेस क्या है, 5। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कॉट आर में हमारे पास बेस है 5 और परपेंडिकुलर कितना है, 12। ठीक है, अब उसने बोला है कि फाइंड, बोला क्या है निकालने के लिए, उसने बोला फाइंड टैन आर और टैन पी माइनस कॉट आर। क्या बोला है, टैन पी माइनस कॉट आर। ठीक है, अब आपको करना क्या है, नाउ यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टैन पी माइनस कॉट आर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां तो हम सॉल्व करें, वहां पे आपको चार ऑप्शन दिए गए होंगे ऐसे, ए 1 B 0 सी -1 डी नन ऑफ दिस। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑप्शन दिए होंगे। तो टैन पी की वैल्यू हमारे पास है 5/12, सॉल्व तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, 5/12 दोनों का यही वैल्यू आ रही है, तो दोनों के दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 0।
तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, शायद आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब आपको मे भी समझ आ रहा होगा कि इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन ऐसे ही होंगे और उन्होंने नीचे ऑप्शंस दे दिए होंगे जैसे मैंने अभी बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसने बोला इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉस ए एंड टेन ए। तो साइन, इसने यहाँ पे अब हमें सिर्फ साइन ए की वैल्यू दी है जो कि हमारे पास 3/4 है, कोई भी ट्राइंगल नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आपको ट्राइंगल खुद बनाना पड़ेगा। अब साइन ए बोला है, क्या क्या बोला बोला? है? साइन साइन ए ए, तो हम ए यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, और बी यहाँ पे ले लो, सी यहाँ पे ले लो। तो साइन ए होता क्या है हमारे पास, साइन ए होता क्या है, साइन ए किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज। तो मतलब है कि ऊपर जो हमारे पास न्यूमिनेटर है 3, तो वो हमारे पास क्या हो गया, हाइपोटन्यूज, ठीक है। और 4 क्या हो गया हमारे पास, ओ सॉरी, ये 3 हो गया, परपेंडिकुलर होता है ना ऊपर, तो ऊपर हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया और नीचे हाइपोटन्यूज है। तो ये हमारे पास जो है हाइपोटन्यूज कितना आ गया, हाइपोटन्यूज हमारे पास 4 आ गया, ठीक है। अब उसने बोला है कॉस और टैन ए निकालना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, बेस। तो बेस आपने वही बाय पाइथागोरस थ्योरम से निकालना है, ठीक है, पीजीटी करके। तो बेस जब आप निकालोगे तो आपकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू क्या होगी, पाइथागोरस ट्रिपलेट अभी आपको नहीं पता है तो वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 5। वो आपको करने की जरूरत भी नहीं है अभी, पाइथागोरस ट्रिपलेट आप पहले इस तरह से पाए पाइथागोरस थ्योरम से वैल्यू निकालना सीखो, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास बेस की, 5। अब हमारे पास बेस भी आ गया, परपेंडिकुलर भी आ गया और हाइपोटेन्यूज भी आ गई है, सब आ गया हमारे पास, सब आ गए हैं। तो अब उसने बोला है कॉस ए निकालो भाई और टैन ए निकालो, यहाँ पे ही निकालना है, यहाँ पे ही निकालना है। तो इसका कॉस ए आप खुद निकालोगे और टैन ए भी आपने खुद निकालना है इसका, और आंसर जो है वो क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो कि क्या हमारे पास कॉस ए की वैल्यू आ रही है और टैन ए की वैल्यू आ रही है। जल्दी से बताएं, जल्दी से, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है आज, और हो रहा है। अब देखो एक और क्वेश्चन आ गया, फोर्थ। गिवन दिया हमें 15 cot A, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको सारे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो हमारे पास 15 cot A दिया है और और बोला बोला गया गया है है फाइंड फाइंड साइन ए एंड सीकेंट ए। अगेन सिंपल क्वेश्चन, ये ये भी भी मैं मैं आपको आपको फ्रेम फ्रेम करके करके दे देता देता हूँ हूँ कि क्वेश्चन क्या है ये। तो कॉट ए ए जो जो है है 15 cot A है, तो आप क्या करो, इस 15 को इधर ले आओ तो नीचे आ जाएगा, बस। अगेन यू हैव टू टू ड्रा ड्रा ए ट्राइंगल, ठीक है। अब कॉट ए है तो हम ए यहाँ पे ले लेंगे, ये बी आ गया और ये हमारे पास सी आ गया। अब आपने देखना है कि कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने पढ़ा, पंडित बद्री प्रसाद हिंदुस्तान हरा भरा, ये आपने साथ में लिखना ही लिखना है। तो टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट क्या हो जाएगा, इसे रेसिप्रोकल, तो कॉट हमारे पास आ गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ऊपर वाला बेस होगा, नीचे परपेंडिकुलर होगा, तो मतलब कि बेस हमारे पास 8 आ गया, परपेंडिकुलर 15 आ गया, और आपने हाइपोटेन्यूज निकालनी है, ठीक है। इसमें आप हाइपोटेन्यूज भी खुद निकालोगे, फिर उसके बाद आपने साइन साइन ए, साइन ए फाइंड आउट करना है, उसके बाद टैन ए फाइंड आउट करना है, सिंपल है। बस बस मैंने मैंने आपको आपको क्वेश्चन जो है फ्रेम करके दे दिया किस तरह से करना है, और आपने आगे वैल्यू अब इसकी खुद निकालनी है, ठीक है। जितना आप खुद प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपके आपके लिए बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज मैथ आप बोलोगे कि मैं रट्टा मारूंगा वो पॉसिबल नहीं है। मैथ जो है ये सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर बेस है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन आ गया, सीकेंट ए दिया हुआ आपको, सीकेंट थीटा दिया हुआ है 13/12, कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो वहां पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं बोला जाएगा, वहां पे वैसे ही हो गया, कॉस ए निकालो या टैन ए निकालो, इस तरह से होगा। हाँ, सेवन्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिक्स क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। सेवन्थ क्वेश्चन, अब आपको कॉट दिया है, ये मैं आपको करवाता हूँ, कॉट थीटा दिया है 7/8, कॉट थीटा कितना दिया है 7/8, ठीक है। अब अगेन ट्राइंगल बना लो, ठीक है, यहाँ पे हम थीटा ले लेंगे और कुछ भी नेम दे सकते हो आप, ए बी सी, ठीक। तो कॉट थीटा हमारे पास क्या होता है,
बेस अपॉन पेंडिकुलर, तो ये हमारे पास बेस आ गया, ठीक है, और ये हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर, ठीक। अब आपने निकालना क्या है, फिर से आपको हाइपोटेन्यूज निकालनी है। क्या निकालनी है? हाइपोटेन्यूज निकालनी है, ठीक। तो जल्दी से, 2 मिनट, कॉट थीटा, ठीक है, इसको हाइपोटेन्यूज निकालने की जरूरत नहीं है गाइस, इसको दूसरे तरीके से करेंगे, इसमें ट्रायंगल लेने की भी जरूरत नहीं है। देखो देखो देखो, मैं बताता हूँ, मैंने आगे देखा ही नहीं है सॉल्व करना क्या। देखो आगे हमने जो इसने बोला है, फर्स्ट पार्ट जो है सॉल्व करने के लिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस पता होना चाहिए। इसने बोला है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, क्लियर, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ठीक है। और कॉट थीटा की वैल्यू दी है 7/8। आप ध्यान से देखना, कॉट थीटा दिया है 7/8। अब आपको याद होगा जो टैन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और टैन जो होता है वो कॉस का, कॉट का रिवर्स होता है। तो मतलब कि हम कॉट को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो मतलब कि जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 8, और जो कॉस थीटा है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। तो मतलब कि साइन थीटा हमारे पास 8 आ गया, कॉस थीटा हमारे पास 7 आ गया। अब हम इस क्वेश्चन को मजे से कर सकते हैं। तो हमारे पास जो ऊपर सॉल्व करने के लिए उसने बोला था इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा, ऐसे बोला था, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, क्लियर। और नीचे हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। इसके भी दो तरीके हैं, बट मैं आपको इजी वाला दिखाऊंगा, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब हमारे पास, आपने देखा, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 8 और कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास 7, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा 8, हम सीधा डायरेक्ट वैल्यू डाल देंगे, ठीक है, मैं मुश्किल वाला नहीं बता रहा हूँ, इजी वाला। तो हम सीधा यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, 1 प्लस साइन थीटा हमारे पास 8 है, डाल दिया, और 1 माइनस साइन थीटा 8 है, नीचे आ गया 1 प्लस 7 एंड 1 माइनस 7। तो अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, तो 1 प्लस 8 होता है 9, मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 माइनस, जो हमारे पास 8 होता है वो होता है -7, राइट। और नीचे 1 प्लस 7 जो होगा वो 8 के बराबर आ गया, और 1 माइनस 7 जो है वो -6 के बराबर आ गया। -6 क्योंकि बड़े नंबर के साथ हमारे पास नेगेटिव साइन है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 9 7 -63, ठीक है, एंड 8 6 -48। तो ये और ये हम कैंसिल कर देंगे। अब आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो 63/48 जो है आपकी वैल्यू आ रही है। अब आप इसको रिड्यूस रिड्यूस भी कर सकते हो, अगर आपकी ये रिड्यूस हो सकती है तो उसको आपने रिड्यूस करना है टू द लोवेस्ट फ्रैक्शन। अब हमें दिख रहा है कि ये जो है दोनों नंबर जो है 3 के साथ कर सकते हैं, 3 2 6, 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, अब 1 बचा यहाँ पे, 18 बन गया, तो 3 6 18। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है इसकी आएगी 21/16 जो है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व होगा। ये आपको अभी बहुत ही बड़ा दिख रहा है, जब आप सॉल्व करोगे इसको, प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये आपका क्वेश्चन जो है 1 सेकंड में निकल जाएगा, ठीक है, क्या निकल जाएगा, 8 से 1 सेकंड में। अब सेकंड पार्ट उसने बोला है कॉट स्क्वेयर थीटा निकालना है, सिंपल। तो इसका स्क्वेयर कर दो, 7 7 49 एंड 8 64, तो इसका आ गया 49/64। इस तरह से ये जो नेक्स्ट जो है ये आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। होप आपको समझ आ रहा हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि समझ आ रहा है
या नहीं आ रहा है। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये एट क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखो इसमें दिया आपको थ्री कॉट ए इज इक्वल्स टू फोर, चेक वेदर दिस इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, आपका एग्जाम में चेक वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं बताता हूँ कैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन बना के देता हूँ आपको। आपको यही क्वेश्चन दिया होगा थ्री कॉट ए जो है वो फोर के बराबर है, तो उस उधर बोला जाएगा ऐसे सिंपल भाई, फाइंड करो कि वन माइनस टेन स्क्वेयर ए जो है नीचे, वन प्लस टेन स्क्वेयर, एक प्लस है एक माइनस है नीचे, ये किसके बराबर होगा? ऐसे ऑप्शन होगा वन बी जीरो सी माइनस वन डी नन ऑफ दीज। गाइस इस तरह से क्वेश्चन होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेन वाला। और दूसरा ये भी बना सकता है, जैसे मैंने फाइंड यहां पे लिखा वहां पे ये बोल दे फाइंड कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए। ठीक है, वहां पे चेक वाला नहीं आएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? बिल्कुल सेम उसी तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले अब उसने टैन बोला है निकालने लिए, आपको कॉट दिया गया है। अब देखो इसमें भी आपको वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि क्योंकि जब भी कॉट वाला क्वेश्चन आए ना तो उसको आपने इसी तरह से करना है। तो हमारे पास यहाँ पे है कॉट है, तो थ्री को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, वो हमारे पास बन जाएगा फोर अपॉन थ्री। और हमें पता है कॉट किसके बराबर होता है? कॉस ए अपॉन साइन ए के बराबर होता है। तो कॉस ए मतलब फोर आ गया और साइन ए हमारे पास थ्री आ गया। ठीक है, अब उसने बोला टेन स्क्वेयर ए एंड टेन स्क्वेयर बी वन अपॉन, तो सिंपल टेन बोला है। और हमें पता है कॉट जो है वो किसके बराबर होता है? वन अपॉन टेन के बराबर होता है ना। बट हाँ उसने सिर्फ टेन बोला है, तो जब हम इसको टेन ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास ये जो वैल्यू होगी ये रेसिप्रोकल आ जाएगा ना, तो टेन ए जो है वो हमारे पास थ्री अपॉन फोर आ जाएगा। टेन ए क्या होगा? थ्री अपॉन फोर रेसिप्रोकल। तो मतलब कि अब हमारे पास टेन ए की वैल्यू आ गई, तो हमने क्या करना है? मैं सब्स्टिट्यूट करके दे देता हूँ, बाकी आपने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, वन प्लस थ्री बाय फोर, बस ये है। अब इसको आपने सॉल्व करना है भाई। ठीक है, इतना तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी सेम ऐसे होगा। जैसे वहां पे बोला गया है कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए, ये निकालना है। अभी मैंने आपको बताया पीछे कि ये जो होता है किसके बराबर होता है? कॉस अपॉन साइन के बराबर। तो कॉस हमारे पास फोर है, सिंपल फोर का स्क्वेयर माइनस थ्री का स्क्वेयर। ठीक है, अब इसको करोगे सॉल्व, सिक्सटीन माइनस नाइन, तो माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है? सेवन। तो ये आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एट्थ क्वेश्चन जो है ये भी। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस आपको पता होना चाहिए कि वो इन क्वेश्चंस को किस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फ्रेम करेगा। अब नाइन्थ क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेन ए की वैल्यू दे दी है वन अपॉन रू थ्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। सिंपल क्वेश्चन है, टेन ए दिया है, टेन ए, तो टेन ए आपको पता है किसके बराबर होता है? साइन ए अपॉन कॉस ए। तो मतलब कि वन अपॉन थ्री दिया, तो साइन ए हमारे पास वन आ गया, कॉस की वैल्यू क्या आ गई? रूट थ्री। अब सिंपल यहां पे जो हमें निकालने के लिए बोला है साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, इसके लिए आपको ट्राइंगल बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कॉस सी बोला गया है और यहाँ पे साइन सी बोला गया है, तो यहाँ पे चेंज होगा फंक्शन। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन ये नहीं निकलेगा, इसके लिए आपको ट्राइंगल जो है वो बनाना जरूरी है। ठीक है, इसमें आपको ट्राइंगल बनाना जरूरी है और तीनों साइड जो है वो आपने निकालनी है। फिर आपने साइन ए जो है उसके ऊपर वैल्यू निकालनी है, वो तो साइन ए तो आपके पास वन ही रहेगा, बट कॉस सी की वैल्यू हो जाएगी क्योंकि उसमें हमारे पास परपेंडिकुलर बेस जो है वो चेंज। ये क्वेश्चन भी आपने खुद करना है, तो जल्दी से ये सारे क्वेश्चन करें। ठीक है, उसके बाद
टेंथ क्वेश्चन भी सेम है। अब ये आ गया हमारे पास जस्टिफाई योर आंसर। ठीक, तो 8.1 एक्सरसाइज जो है वो हमने पढ़ ली है अभी। अब हम इसका नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, 8.1 एक्सरसाइज हमने कर ली है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस जो हैं, अब हम एंगल्स डिग्री के ऊपर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो वैल्यूज थी मैंने आपको बताई थी पीछे, एंगल्स जो थे किस तरह से वैल्यूज होती हैं, एक बार फिर से हम इसको थोड़ा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। साइन 45 जो है वो 1/√2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, और टेन 45 जो है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद कोसेकेंट जो है वो साइन का रेसिप्रोकल हो जाता है, तो उसका √2 आ जाएगा, कॉस √2 आ जाएगा, और कॉट जो है वो 1 ही रहेगा। ठीक है, अब आगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज 30 डिग्री और 60 डिग्री पे। ठीक है, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री पे। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री पे जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज होती हैं वो क्या रहती हैं, तो sin 30 जो है हमारे पास, sin 30 जो है वो होता है √3/2, tan 30 जो होता है वो 1/√3 होता है, सॉरी sin 30 जो है वो 1/2 होता है, sin 30 1/2, cos 30 जो है वो √3/2 होता है, और tan 30 जो है वो 1/√3 होता है। बाकी जो है ये इसके इन्वर्स हो जाएगा, कोसेकेंट सेकेंट एंड कॉट। सिमिलरली sin 60 जो होगा, sin 60 जो होता है वो cos का उल्टा हो जाता है। ठीक है, मतलब कॉस की वैल्यू हो जाती है। अब देखो sin 60 जो है वो √3/2 का, तो cos 30 क्या था, √3/2। वैसे ही cos 60 जो है वो 1/2 है, और sin 30 जो है वो 1/2 है, ये मैंने आपको लास्ट समझाया था। और tan 60 जो होता है वो √3 के बराबर होता है। बाकी को secant 60, sin secant 60 जो है, और cot 60, ये सारे उसके रेसिप्रोकल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 0 और 90 के ऊपर क्या होती है। 0 और 90 के ऊपर जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होती हैं, sin 0 जो है वो sin 0 के बराबर होता है, cos 0 जो है वो 1 के बराबर होता है। ठीक, tan 0 जो है वो 0 के बराबर होता है, क्लियर। और cot 0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। वैसे ही secant 0 जो है वो 1 के बराबर होता है, cosecant 0 जो है वो नॉट डिफाइंड होता है। तो ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्री जो एंगल है वो आपके पास इस तरह से वैल्यूज होगी, और ये आपको याद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अब जो आगे क्वेश्चंस हैं ये इन्हीं के ऊपर बेस होंगे। ये पूरा का पूरा एक टेबल है, इस तरह से आप टेबल जो है बना के सामने फिक्स कर सकते हो, जहां पे आप स्टडी टेबल है जहां पे भी, वहां पे सामने फिक्स कर दो, सुबह रोज इसको एक बार रीड कर लो, तो आपको ये सारी वैल्यू जो है आपके टिप्स पे रहेंगी। ठीक है, और ये करना बहुत ही जरूरी है, इसको आप नहीं छोड़ सकते हो। अगर आपने छोड़ दिया तो आप क्वेश्चन जो है नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो ये सीधा आपके पास अब 8.2 जो है वो एक्सरसाइज आ गई है, तो जल्दी से हम 8.2 भी जो है आज कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप बिल्कुल मेरे साथ बनिए रहेगा। तो अब आपको सामने दिख रहा है पहला पार्ट जो है सिंपल, sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना है, ये पहले भी समझाया था लास्ट लेक्चर में। सिंपल sin 60 की वैल्यू डालो, cos 30 की वैल्यू डालो, sin 30 की वैल्यू डालो, cos 60 की। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ ये पहला वाला पार्ट, बाकी आपने खुद करना है। sin 60 हमारे पास होता है √3/2। ठीक है, cos 30 क्या होगा, इसका सेम ही रहेगा, जितना sin 60 होगा उतना cos 30 होता है, तो cos 30 भी हमारे पास √3/2 होता है, प्लस sin 30 1/2, cos 60 1/2। इस तरह से सॉल्व कर लेना है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनका स्क्वायर हो जाएगा, √3 × √3, 3 आ जाएगा नीचे, 2 × 4 प्लस 1/4, तो क्या आ रहा है, 4/4, तो वैल्यू क्या आ गई, 1। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, बस इसमें सिर्फ आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है जो आपको यहाँ पे एंगल दिया है, देन सिंप्लीफाई सिंप्लीफिकेशन करना है इनको। ठीक है, और ये आपने खुद करना है। अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे जरूर जो है बताइएगा,
टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया, वहां पे आप बता सकते। ये देखो एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन आ गया, सीधा क्वेश्चन आ गया पहला। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है फर्स्ट पार्टी, मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। 2 tan 30 डिग्री, और इन्हीं तीन पार्ट दिए हैं ना, चार, इन चार में से मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपको पेपर में जरूर इसमें से क्वेश्चन आएगा। प्लस 1 upon tan square 30 पूछा गया है किसके बराबर है, साइन 60 के बराबर है, कॉस 60 के बराबर है, टेन 60 के बराबर है, साइन 30 के बराबर है। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, वो कैसे करेंगे हमें देखना है। टेन 30 के ऊपर वैल्यू क्या होती है, तो हमें पता है टेन 30 जो होता है वो हमारे पास होता है 1 upon root 3, ठीक है। प्लस नीचे दिया है tan square 30, तो tan square 30 मतलब कि टेन 30 तो हमारे पास 1/√3 ही होता है, तो इसका हमारे पास स्क्वेयर आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, क्या करना है इसको सॉल्व करना है, चलो सॉल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो ऊपर हमारे पास था 2 into 1/√3, तो ऊपर हमारे पास आ गया 2/√3, और नीचे हमने स्क्वेयर करना है, तो 1 + 1 का स्क्वेयर 1 होता है और √3 का स्क्वेयर 3 हो गया, ठीक है। ऊपर तो 2/√3 ही रहेगा अभी, अब नीचे हमें पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, तो नीचे 3 LCM आ गया, तो 3 × 1 = 3 आ गया, 1/3। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आएगी 2/√3/4/3, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे 2/√3, ठीक है। ये जो डिनोमिनेटर होता है ये उल्टा हो जाता है, 3/4 आ गया, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 2। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 3/√3, ठीक। अभी सॉल्व नहीं हुआ है, नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में रूट थ्री वैल्यू है, इसको हम रैशनलाइज कर लेंगे, 2√3 × √3 × √3, क्लियर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, जब इसको हमने रैशनलाइज किया, यहाँ पे आ जाते हैं, जब इसको रैशनलाइज किया ऊपर तो हमारे पास आ गया 3√3, नीचे है 2√3 × √3, क्या आ गया √3, क्या आ गया √3 आ गया। तो ये और ये हमारे पास क्या हो गया, कैंसल आ गया, कैंसल हो गया, तो हमारे पास √3/2 की वैल्यू आ रही है। तो अब देखो ये वैल्यू याद रखना, √3/2, ऊपर चलते हैं, देखो 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 √3/2, ठीक है। और उसने क्या पूछा है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये √3/2, उसने बोला ये किसके बराबर है, साइन 60, कॉस 60, टेन 60 या साइन 30 के बराबर है, ठीक है, साइन 30 के बराबर है √3/2। तो √3/2 किसके बराबर होता है, ये टेबल में आप चेक करो, अब ट्रिग्नोमेट्री जो एंगल्स का हमारे पास टेबल था उसमें चेक करो √3/2 किसकी वैल्यू है, ठीक है, जल्दी से चेक करो। तो √3/2 जो है वो हमारे पास साइन 60 की वैल्यू होती है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में आएंगे। वैसे ही सेकंड पार्ट आपने सॉल्व करना है, 1 - tan² 45 / 1 + tan² 45, इसका आंसर मैं डायरेक्ट अभी बता देता हूँ, ये आपने खुद सॉल्व करना है, इसका आंसर जो है वो आपका 0 आएगा, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपने सॉल्व करना है, sin 2a = 2 sin a, अब इसकी वैल्यू बतानी है कि ये किसके बराबर है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, 2 tan 30 1 - tan² 30, तो tan 30 की वैल्यू डालो, इसको सॉल्व करो, तो जो भी वैल्यू आती है तो उसको आपने चेक करना है कि इन वो वैल्यूज इन इनके कहां पे वैल्यू जो है वो आपकी फिट होगी, क्लियर। तो इस तरह से आपका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो अभी हमने सॉल्व कर ली। अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था, मैंने बोला था कि ये कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल्स है ये सब के सब आप आइडेंटिटीज है, ये लर्न कर लेना, ये आपकी रही, ये सामने लीजिए, sin 90 - a = cos a, cos 90 - a sin a, tan 90 - a cot, cot 90 - a tan, secant जो है वो cosecant होता है, cosecant जो है वो secant के बराबर होता है। ये चारों आइडेंटिटीज आपने
छः की छः अटेंडेंटेज आपकी टिप्स के होने चाहिए। अब इनके ऊपर जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्या क्वेश्चंस आएंगे देखो। आ गया पहला क्वेश्चन, और इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, बोल रहा हूँ आपको बार बार। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है सिंपल पूछा है भाई, साइन साइन 18 अपॉन कॉस 72 किसके बराबर होता है। तो देखो अब तीन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है, साइन 80 साइन 18 और कॉस 72। तो हमें पता है हम एक ही को लेंगे, हमें पता है जो साइन 18 डिग्री है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 72। देखो साइन 18 था, अब 18 की जगह 19 माइनस 72 करेंगे तो 18 ही आएगा ना। तो आपको याद कैसे रहेगा कि यहाँ पे क्या माइनस करें, जो नीचे होगा ना वही आपने लिखना, ये आपका हिंट है। तो हमें पता है साइन 90 माइनस ये क्या होता है, थीटा, थीटा होता है ना ये। तो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर। तो कॉस थीटा, थीटा गया है यहाँ पे 72, तो मतलब कि साइन 18 जो है वो किसके बराबर बराबर आ गया, कॉस 72। तो अब हम इस साइन 18 की जगह पे, इस साइन 18 की जगह पे हम कॉस 72 नहीं लिख सकते हैं क्या? तो कॉस 72 ऊपर भी आ गया, नीचे भी कॉस 72 आ गया डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों दोनों कैंसिल हो गया, हमारे पास 1 आ गया। तो वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो बस इस तरह से हमने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है, इस तरह से सॉल्व करना है। अब सेकंड पार्ट है, ठीक है, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 1, ये खुद सॉल्व करना है। अब थर्ड पार्ट है, बीच में माइनस है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट 0, क्योंकि 48 है और साइन 42 है। तो कॉस जो 48 डिग्री होता है वो हमारे पास साइन 42 के बराबर होता है। तो हम इस कॉस 48 की जगह साइन 42 लिखेंगे, तो माइनस करेंगे हमारे पास 0 हो गया। सेम कोसेकेंड एंड सेकेंड, ठीक है, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, सिंपल डायरेक्ट हिंट दे रहा हूं, जब माइनस होंगे तो उधर 0 होगा, और जब डिवीजन में होगा तो उनकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब जैसे ये सेम नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सेकंड पार्ट में, इसमें बोला शो दैट, तो आपको शो दैट नहीं होगा, वहां पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ये होगा। और ये क्वेश्चन आता है एसएससी में, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं ये, ठीक है, टेन 48 उसके बाद टेन 23, ठीक है, उसके बाद टेन 42 डिग्री, टेन 67, ये पूछा गया। और आपको ऑप्शन जो होंगे, ए बोला होगा 1, बी बोला होगा 0, ठीक है, सी बोला होगा -1, डी बोला होगा नन ऑफ दिस, इस तरह से क्वेश्चन होगा। और इसमें वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल्स टू 1, हमेशा 1 होती है, वो मैं बताता हूँ क्यों होती है, शॉर्टकट, ठीक है, याद रखना। अब जैसे यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, इवन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमेशा जो एंगल्स होते हैं ना, जैसे 48 है और टेन 23 है, ध्यान से देखना, हमने सिर्फ दो को चेंज करना है, इवन में है हमारे पास यहाँ पे टेन 42 एंड टेन 67। तो हमें पता है ये टेन 48 जो है, ठीक है, ये टेन 42 के बराबर हो जाएगा, भी बता दो कैसे होगा, और टेन जो है ये इसके बराबर होगा 67, कैसे, अगर टेन 48 को मैं कॉट 42 लिख लूंगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि टेन 90 माइनस 42 करेंगे तो कॉट 42 आएगा, वैसे ही हमारे पास टेन 23 को हम ऐसे ही रखेंगे और टेन 42 को ऐसे ही रखेंगे, इसको चेंज कर लेंगे टेन 67। तो हमें पता है कि मैं टेन 90 माइनस 23 करूंगा तो टेन 67 ही रहेगा, तो वो कॉट हमारे पास 23 आ जाएगा। अब ये क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होगा, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट गया, तो हमारे पास 1 आंसर आ गया डायरेक्ट। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीच में क्या आ गया, माइनस, अगर बीच में माइनस होगा तो आपने चुपचाप करके सीधा आंसर क्या, 0 के ऊपर टिक कर देना है, मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन जो है ये सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन जो है प्रूव करने वाले क्वेश्चन जो है आपको नहीं आएंगे, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन भी है तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको नहीं आएगा एग्जाम में। जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं बता चुका हूँ आपको, ये क्वेश्चन जो है ये भी नहीं आएगा, ये क्वेश्चन जो है ये वाला याद रख लेना, ये अगर आपको क्वेश्चन में आएगा साइन, क्योंकि ये बहुत ही लंबा है, इसको डायरेक्ट रखो, साइन बी प्लस सी अपॉन 2 होगा, तो ये हमेशा कॉस ए बाय 2 के बराबर होगी, इसकी वैल्यू याद देख लेना ये, क्योंकि ये सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, बट याद देख लेना साइन बी प्लस सी अपॉन 2 होगा तो वो कॉस ए बाय 2 के बराबर होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे, आइडेंटिटीज भी मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ,
दोबारा अब मैं नहीं समझाऊंगा, बस जल्दी से। कॉस स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर ए जो है वो 1 के बराबर होता है, 1 प्लस साइन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वेयर ए जो है वो 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए जो है वो सेकेंड स्क्वेयर के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉट स्क्वेयर ए प्लस 1 जो है वो सेकेंड स्क्वेयर ए के बराबर होता है। ठीक है, बस अब इसी के ऊपर क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक ठीक है, है और और ये ये क्वेश्चंस भी मैं ऑलरेडी आपके साथ कवर कर चुका हूँ। तो आप देखो यहाँ पे भी एमसीक्यूज 4 क्वेश्चन दे दिए हैं यहाँ पे एनसीईआरटी में, और मैं आपको फिर से वही चीज बोल रहा हूँ कि इन्हीं में से आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में फंस जाएंगे। क्या होंगे? इन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो फंस जाएंगे। जैसे फर्स्ट दिया है इवेल्युएट साइन स्क्वेयर 63 साइन स्क्वेयर 27, नीचे कॉस स्क्वेयर 17 प्लस कॉस स्क्वेयर 73। तो ये वाला कैसे सॉल्व करेंगे? हमें पता है साइन स्क्वेयर 63 प्लस साइन स्क्वेयर 27। अब मैं साइन स्क्वेयर 27 को साइन कॉस स्क्वेयर 63 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। अब तो आपको समझ होगा कि मैं साइन यहाँ पे इसको अगर मैं 90 माइनस 63 लिखूंगा तो क्या आएगा? कॉस 63। वैसे ही कॉस स्क्वेयर 17 है प्लस ये 73 दिया है, इसको मैं लिखूंगा साइन स्क्वेयर 73 तो 17 सॉरी, तो ये 1 आ गया। क्या आ गया? साइन स्क्वेयर ए कॉस स्क्वेयर ए ऊपर आ गया 1, नीचे भी कॉस स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर ए नीचे आ गया 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। तो इस तरह से ही हमने सॉल्व करना है, और ये 4 क्वेश्चन है गाइस आपने खुद सॉल्व करने हैं। ये देख लो जल्दी से, ये मैं अभी एनसीईआरटी जो है आपको वहां पे टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। तो ये 0.4 को सॉल्व करने की कोशिश करना, अगर नहीं सॉल्व होंगे तो आप जरूर बताइएगा। व्हाट्सएप पे मैसेज भी आप कर सकते हो 9018091767 पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, और आपको जो क्वेश्चन नहीं आते होंगे वो भी मैसेज कर देना, वो मैं पूरा पूरे क्वेश्चन का एक कंपाइल करके उनको पूरा सॉल्व करके आपको वीडियो नेक्स्ट वीडियो जहाँ आने वाले जो है डाउट सेशन वाली वीडियो होगी वहां पे मैं जरूर आपको समझाऊंगा। आज के लिए ये पूरे जो एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन थे वो भी कवर कर लिए। अब नेक्स्ट जो लास्ट ट्रिग्नोमेट्री का एक लेक्चर होगा उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्म में मैं कम से कम भी कोशिश करूंगा जितने क्वेश्चन कवर हो सके वो कवर करवाऊंगा आपको, सो दैट आपका जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है वो पूरा अच्छे से हो जाए। ठीक है, और आप इस वीडियो में बता भी सकते हो कि नेक्स्ट जो टॉपिक है कौन सा टॉपिक कवर करें। ठीक है, तो अब आपको कहीं पे भी कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है वीएलडब्ल्यू के लिए, खासकर आपको पूरा का पूरा जो है फ्री में लेक्चर प्रोवाइड किया जाएंगे, और कोशिश करेंगे आपको मटेरियल भी प्रोवाइड करें। तो बस इसी तरह हमारे साथ बनिए रहेगा। सो अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।